This conference will now be recorded. चैप्टर की दो थेरीज डिस्कस करनी है. मेनली आज की डिबेट दो पे होगी, विल सी तीसरी अगर टाइम हुआ तो हम करेंगे. कल इंशाल्लाह हम फिफ्थ चैप्टर को कंक्लूड करेंगे. टुडे विल कल्चरल वेब विल बी डिस्कसिंग एडगर स्काइंस लेवल्स ऑफ कल्चर. वालेकुम अस्सलाम बेटा. तो ओके, सो लेट्स वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, लेट अदर्स कम, देन वी विल स्टार्ट. इन द मीन टाइम कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क. कल्चरल वेब, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कल्चर. कल्चरल वेब जो है ये JSW का मॉडल है, जॉनसन एंड स्कोल्स का. बेसिकली इन्होंने कहा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को अगर आपने समझना है तो उसके छह एलिमेंट्स होते हैं जो कि कल्चर प्रेविलेंट कल्चर का हिस्सा होते हैं, जैसे हम कल्चरल वेब कहते हैं. जिस तरह हमने 7S फ्रेमवर्क पढ़ा था ना, एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें सातों एस जो हैं वो आपस में इंटर कनेक्ट करते हैं. इसी तरह कल्चरल वेब के भी छह इंटर कनेक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं. देर आर सिक्स एलिमेंट्स दैट इंटर कनेक्ट एंड दैट हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस टू डिटरमिन के व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कल्चर एंड हाउ द कल्चर इज फॉर्म्ड. किसी इदारे का कल्चर कैसे बनता है, हाउ डज अ कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड. इन छह इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स के ऊपर दो दफा क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, पास्ट पेपर्स के अंदर. द क्वेश्चन हैज अपीयर्ड लाइक ट्वाइस. एक दफा इस पे क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया है सितंबर 2017 में. रिसेंट क्वेश्चन ऑन सितंबर 2017 वाज देयर. और एक दफा इसमें 10 नंबर का सवाल आया था मार्च 2015 में, मार्च 2015 में. और अभी रिसेंटली सितंबर 17 में क्वेश्चन आया इसके ऊपर. सितंबर 17 का जो क्वेश्चन था दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दैट वाज अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन. एक सिचुएशन दी गई थी और उस सिचुएशन में कहा गया था बताएं हर स्टेटमेंट पे बताएं कौन सा एलिमेंट अप्लाई हो रहा है कल्चरल वेब का. तो स्टेटमेंट्स वर देयर एंड इट वाज आस्क्ड के यू हैव टू टेल दैट व्हाट एलिमेंट्स ऑफ कल्चरल वेब आर बीइंग यूज्ड ऑन एवरी सिंगल स्टेटमेंट. तो ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन पुट किया था एग्जामिनर ने इन September 17. So let's first go through all of these components of cultural web and then we will look at that question. The pehla jo component hota hai wo hai routines and ritual. Routine kehte hain the way you do things around. Ek idare mein log kaam kaise karte hain, unke behaviors kya hote hain, ki unki routines hoti hain. You see, established ways of doing things. For example, jaise punctuality hai, kuch idaron ki routine ye hai ki employees all the employees should be in office at 9 a.m. कुछ इदारों की रूटीन ये होती है कि दे गिव फ्लेक्सिबल टाइमिंग टू एम्प्लॉइज के एम्प्लॉइज टाइम पे फ्लेक्सिबल टाइम पे आ सकते हैं, दे नीड नॉट टू बी. तो ये रूटीन है. रूटीन डिटरमिन द वे ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड एंड द वे ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स. रूटीन्स के साथ हम रिचुअल्स की बात करते हैं. रिचुअल्स जो होते हैं ये रवायात को कहते हैं. एक इदारे की रवायात क्या है, व्हाट आर द रिचुअल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ इदारों में एम्प्लॉई ऑफ द मंथ अवार्ड दिया जाता है, ये उसका रिचुअल होता है. मैंने कल भी बात की थी. तो रिचुअल जो है ये आपकी रवायतें होती हैं कि एक इदारे के अंदर आप किन किन रवायात को फॉलो करते हैं, व्हाट रिचुअल्स यू हैव टू फॉलो एंड हाउ दोज रिचुअल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. इसी तरह रिचुअल बेसिकली एक इदारे की लाइफ को डिफाइन करते हैं. व्हाट इज द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. जैसे एम्प्लॉई ऑफ द मंथ अवार्ड एक इदारे की लाइफ होती है. स्पेशल इवेंट्स होते हैं जिनको आप लॉन्च करते हैं एक इदारे के अंदर, एंड दो स्पेशल इवेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनिंग दैट व्हाट is considered to be important, what is the expression of importance in an organization, uske liye important kya hai. So routines and rituals jo hain ye aapki rozmarra ki jo routine hoti hai idare ki aur rituals aapki jo rawayat hoti hain inko determine karne mein ek pivotal role jo hai wo play karte hain. Organizations jo hain they have a very clear understanding of what is important in organization and how that plays an important role in an organization. Fir iske baad hoti hain stories and myth. स्टोरीज जो होती हैं ये डिफाइन करती हैं कि एक इदारे के अंदर आपके लिए जो
जो एक 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 इदारे की जो हिस्ट्री है वो क्या है, मतलब एक इदारा जहाँ पे इस वक्त खड़ा है, वेयर एवर द ऑर्गेनाइजेशन इज देयर राइट नाउ, यहाँ तक पहुँचने में इदारा किन किन स्टेजेस से गुजर के आया है, ये उसकी स्टोरीज और मिथ्स होती हैं। स्टोरीज जो हैं ये इदारे के अंदर बेसिकली उसकी हिस्ट्री को एक्सप्लेन करती है। जैसे हमने वो वॉलमार्ट की मिसाल ली थी ना, मैंने आपको सैम वॉल्टन के बारे में बताया था, तो वॉलमार्ट के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नया एम्प्लॉई वॉलमार्ट को ज्वाइन करता है तो ही वुड बी टोल्ड अ स्टोरी, ही वुड बी टोल्ड अ स्टोरी के वॉलमार्ट कैसे स्टार्ट हुई, सैम वॉल्टन ने क्या किया। बेसिकली वर्ड ऑफ माउथ से आप स्टोरीज को पास करते हैं, स्टोरीज आर पास विद वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं व्हेन यू टेल समथिंग जनरेशन टू जनरेशन, इसे वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं। एक बंदे से सुनी, दूसरे को सुनाई, दूसरे से सुनी, तीसरे को सुनाई, तीसरे ने सुनी, चौथे को सुनाई। वर्ड ऑफ माउथ से आपका इंप्रेशन क्रिएट होता है कि ऑर्गेनाइजेशन आज जहां है वहां तक कैसे पहुंची, व्हाट चैलेंजेस वर फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, क्या मिथ्स डिटरमिन की हैं इदारे ने। मिथ और स्टोरी में फर्क होता है। मिथ जो होती है इसकी जो रियलिटी है उसको समझना मुश्किल होता है, मतलब मिथ के पीछे हकीकत एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, दैट इज समथिंग विच कैन बी क्वेश्चन। तो मिथ को आप क्वेश्चन कर सकते हैं, स्टोरीज जो है वो क्वेश्चन नहीं होती, मिथ कैन बी क्वेश्चन। ठीक है, और मिथ जो होते हैं वो रियलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क होता है, लाइक स्टोरीज कैन बी वैलिडेटेड, स्टोरी को आप वैलिडेट कर सकते हैं। इस वक्त जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये कहानी है लेट्स से, क्योंकि ये मेरी आवाज में है तो इसे वैलिडेट किया जा सकता है, बट समथिंग विच यू हैव जस्ट हर्ड अबाउट विच कैन नॉट बी वैलिडेटेड, इसे हम मिथ कहते हैं। जैसे बहुत सारी ग्रीक मिथोलॉजी है, फॉर एग्जाम्पल एक ग्रीक मिथोलॉजी है, अभी आगे जाके पढ़ेंगे, चार्ल्स हैंडी का मॉडल जो है वो ग्रीक मिथ पे बेस करता है। एक ग्रीक मिथोलॉजी है दैट द वर्ल्ड हैज लाइक फोर गॉड्स, ठीक है, तो उस ग्रीक मिथोलॉजी के ऊपर चार्ल्स हैंडी चार किस्म के कल्चर्स को डेवलप कर लेता है। सिंबल्स, सिंबल्स आर द मोस्ट एविडेंट एलिमेंट ऑफ कल्चर, नजर आने वाला, दिखाई देने वाला। बाकी सारे एलिमेंट जो है वो नजर नहीं आते, दिखाई नहीं देते, सिंबल्स नजर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इदारे का ड्रेस कोड, एक इदारे का ब्रांड, उसका लोगो, उसका सिंबल, कंपनी मेंटेन्ड कार, कंपनी का हेलीकॉप्टर, उसकी ऑफिस की बिल्डिंग डेकोर, ये सारे सिंबल्स होते हैं। एम्प्लॉय यूनिफॉर्म, ये सारे सिंबल्स होते हैं। एक और बड़ा मजे का सिंबल होता है जागन। जागन कहते हैं कॉमन लैंग्वेज यूज बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक सर्टन जगह पे ऑपरेट करने वाले लोग जो एक कॉमन लैंग्वेज यूज करते हैं उसे हम जार्गन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है बग, BUG, बग। बग को अगर इसका लफ्जी मतलब समझा जाए तो बग कहते हैं वर्म को, कीड़े को कहते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे मेडिकल जार्गन्स होते हैं, बिल्कुल। अब बग जो है दैट इज अ वर्म, कीड़ा होता है। लेकिन अगर आप बात करें सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर, तो इन सॉफ्टवेयर हाउसेस बग जो होता है इट मींस एन एरर, सॉफ्टवेयर एरर को बग कहते हैं। सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर सॉफ्टवेयर एरर जो होता है उसे हम बग कहते हैं, दैट इज नोन एज अ बग, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है अकाउंट, देयर इज अ वर्ड दैट इज अकाउंट। अब एक अकाउंटेंट के लिए, हाँ एग्जैक्टली, ये नहीं नहीं ना ना ना, ये फ्लू इन्फ्लुएंजा जो है ये जागन नहीं है, इट्स नॉट जागन। मतलब देखें जागन वो होता है जिसका मतलब मुख्तलिफ हो मुख्तलिफ सिचुएशंस में। अब फ्लू का मतलब तो सेम है ना मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर, वो तो एक शॉर्टकट, मतलब इन्फ्लुएंजा को FLU निकाल के फ्लू कह दिया, बट फ्लू विल होल्ड द सेम मीनिंग इन एनी सिचुएशन, नजला जुकाम लेट्स से, ठीक है। जागन मीन्स दैट द वर्ड हैज अ डिफरेंट कॉनोटेशन, द वर्ड हैज अ डिफरेंट मीनिंग इन अ डिफरेंट सिचुएशन। एग्जैक्टली, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी ना, ये देखो बग जो है, अब मैं अगर आपसे कहूँ जी कि आप मेरे घर में बड़े बग्स आए हैं, तो इसका मतलब है कि मेरे घर में बड़े वर्म्स, कीड़े पड़े। लेकिन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर ये कहे जी कि मेरे प्रोग्राम में बड़े बग्स आए हुए हैं, तो एक एक वो बंदा जो सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं है वो बड़ा परेशान सा हो जाएगा, अच्छा सॉफ्टवेयर में कीड़े भी आते हैं, सी, बट ही नोज, द सॉफ्टवेयर डेवलपर नोज के बग मीन्स एन एरर, इट डज नॉट मीन अ वर्म, गेटिंग द पॉइंट। इसी तरह अकाउंट है। अब एक अकाउंटेंट के लिए, फॉर एन अकाउंटेंट, अकाउंट्स मीन डेबिट क्रेडिट और अकाउंट मीन्स बैलेंस शीट, ठीक है। इंटरेस्टिंगली फॉर अ सेल्स पर्सन अकाउंट मीन्स कस्टमर,
सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकाउंट का जो लफ्ज है वो कस्टमर के लिए इस्तेमाल होता है। कितने अकाउंट्स हैं तुम्हारे पास? जी मेरे पास चार अकाउंट्स हैं, उसका मतलब है मेरे पास चार कस्टमर्स हैं। अब ये भी जार्गन है, कॉमन लैंग्वेज है, स्टाइल ऑफ लैंग्वेज है। अरे बात समझ। तो बेसिकली सिंबल्स जो है ये वो कंपोनेंट्स होते हैं जो किसी भी एक कॉमन जगह पे काम करने वाले लोग डेवलप कर लेते हैं और उसको वो अपनी मर्जी से फिर इस्तेमाल करते हैं, जिसका शायद मतलब किसी और सेटिंग में कुछ और हो। सिंबल्स आर द मोस्ट प्रेवलेंट एंड द मोस्ट एविडेंट फैक्टर ऑफ कल्चर। फिर इसके अलावा हमारे पास होता है पावर स्ट्रक्चर। पावर स्ट्रक्चर डिटरमिन करता है कि इदारे में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोग कौन होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था ब्यूरोक्रेसी के अंदर, ब्यूरोक्रेसी में पावर कहाँ से आती है? पोजीशन से आती है, पोजीशन पावर होती है। हमने पढ़ा था एडोक्रेसी के अंदर पोजीशन का अपना पावर कहाँ से आती है? पावर नॉलेज से और स्किल से आती है, फ्लैट स्ट्रक्चर के अंदर। हमने पढ़ा था एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर में पावर कहाँ से आती है? पावर आती है टॉप मैनेजमेंट से, उसकी पर्सनैलिटी से, उसके पर्सनल इन्फ्लुएंस से आती है, ओनर से आती है। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पावर स्ट्रक्चर वेरी करते हैं। द मोस्ट पावरफुल ग्रुप वुड बी द वन क्लोजली एसोसिएटेड होगा उस इदारे के कल्चर के साथ, उनके कोर बिलीफ के ऊपर पूरा कल्चर डेवलप किया जाएगा। क्योंकि जो लोग जितने पावरफुल होंगे, डेफिनेटली जो उनके कोर बिलीफ्स होंगे उनके बिलीफ सिस्टम के ऊपर पूरा कल्चर बिल्ड किया जाएगा। सो पावर स्ट्रक्चर डिटरमिन करता है कल्चर को, कि कल्चर क्या है इदारे का। जो लोग पावरफुल हैं दे आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ द कल्चर। देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है ये क्या होता है? ये इंडिकेट करता है कि आपके इदारे में रिलेशनशिप्स क्या क्या हैं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटिटी? एक इदारे का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? उसकी हायरार्की, फॉर एग्जाम्पल ब्यूरोक्रेसी, जैसे ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन टॉल स्ट्रक्चर होते हैं तो टॉलर स्ट्रक्चर को चेंज करना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू फ्लैटर स्ट्रक्चर। फ्लैट स्ट्रक्चर को चेंज करना आसान होता है। तो टॉल स्ट्रक्चर आर डिफिकल्ट टू चेंज एंड फ्लैट स्ट्रक्चर आर इजियर टू चेंज। तो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये डिटरमिन करती हैं कि आपके जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं, जो आपके सिस्टम्स हैं। इसी तरह कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं। हाउ आर द पीपल कंट्रोल्ड? लोगों को कंट्रोल कैसे करते हैं? नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये कंट्रोल करती हैं लोगों को परफॉर्मेंस मेजरमेंट से और रिवॉर्ड सिस्टम से। और ये परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड सिस्टम आप जिन चीजों के साथ एसोसिएट करते हैं दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। Exactly. Flatter structures are more informal because people operate at the same level. Taller structures नहीं ना होते, hierarchies नहीं होती, तो लोग जो हैं वो same level पे operate करते हैं। ठीक है? तो जो tall structures होते हैं, they are the structures which are difficult to change as compared to flatter structures. Control systems talk about that what is important and what is not important, and you will always associate reward with something which is important. आपके लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है आप उसके साथ रिवॉर्ड को एसोसिएट करेंगे रादर देन एसोसिएटिंग रिवॉर्ड विद समथिंग दैट इज डायरेक्टली नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है? ये कंट्रोल सिस्टम हो। तो टुगेदर कल्चरल वेब जो है ये उन तमाम एजम्पशंस को कलेक्ट करता है। अभी आगे जाके पढ़ते हैं एजम्पशंस क्या होती हैं। टेकन फॉर ग्रांटेड का मतलब क्या होता है? टेकन फॉर ग्रांटेड का मतलब है समथिंग यू बिलीव टू बी ट्रू, समथिंग विच यू बिलीव टू बी करेक्ट। ठीक है? एंड फिजिकल मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है जाहिर करना। मैनिफेस्ट मीन जाहिर करना, किसी चीज का जहूर जो है उसकी मैनिफेस्टेशन होती है। तो कल्चर इज समथिंग दैट इज फिजिकली मैनिफेस्टेड इन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कल्चर को आप मैनिफेस्ट करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर। कल्चर इज समथिंग दैट इज मैनिफेस्टेड इन डिफरेंट एलिमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसका आंसर आप टाइप करेंगे। लेट मी पुल अप द स्टेटमेंट। ओके जी, अटेम्प्ट थी सितंबर 2017 की। इसे मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा आपके लिए। अटेम्प्ट वॉज सितंबर 2017। पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 था और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 6 स्टेटमेंट दी गई थी और हर स्टेटमेंट के अगेंस्ट पूछा गया था बताएं कल्चरल वेब का कौन सा एलिमेंट इसमें जाहिर हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन जो है ना ये बड़े स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको बड़ा इजीली स्कोर में हेल्प करते हैं, इजी स्कोर में हेल्प करते हैं, प्रोवाइडेड के टॉपिक आपको आता है और प्रोवाइडेड कि आप उसे क्रैक करने के काबिल हैं। किसी सो आई विल रीड द क्वेश्चन द स्टेटमेंट एंड यू विल टेल मी द एलिमेंट। द कंपनी लोगो इज अफिक्स्ड ऑन द एंट्रेंस वॉल ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग।
Inside the office, plates are displayed on the walls displaying the company's products and motivational quotations. Exactly, very good. Symbol. So that is symbol. Companies celebrate personal milestone, birthday parties, retirement celebration, last day parties. What is this? Routines and rituals. Shabash. That is routine and rituals. Okay, so now the third is CEO personal assistant is influential enough to assign tasks to staff of all the departments. What is this? That is power structure. Very good. That is power structure. Shabash. It is a general belief in the company that the father of existing managing director has played the most vital role in turnaround of the company. Exactly. Now that is stories. Achha, again, ek baat yaad rakhiyega. Khali stories ka word. Stories and myth pura likhna hai. Okay? Stories and myth pura likhna hai. Theek hai? Be very careful. Jaise pehla tha na, it is not ritual. It is routine and ritual. It is, ye, sorry, ye wala, routine and ritual. Toh pura word likhna hai. Okay? The fifth one is electronic attendance terminals are placed at the entrance and all the employees are required to mark time in. Exactly. Control system. Shabash. Control systems. That is control by bureaucracy and emphasis is on control The last one is exactly kyunki bureaucracy ki baat ho rahi hai, so that is organizational structure, the sixth one. See, such questions are very important. Such questions are highly important. And such questions play a very important role in your scoring of the examination. Aise question mein agar aapne score kar liya to samajh lein aapka paper secure ho gaya. Agar khuda na khasta aapne aise question mein kahin hanky panky kar di, jaise ek hanky panky jo hai wo ye ho sakti hai कि आप यहाँ पे सिर्फ रिचुअल लिखें, रूटीन एंड रिचुअल ना लिखें, गलत हो जाएगा. यू हैव टू राइट द कंप्लीट वर्ड एग्जैक्टली जैसे आपकी बुक बता रही है. सी पावर स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये देखें जो आपकी बुक बता रही है. ठीक है, कंट्रोल सिस्टम्स, ये तमाम चीजें. ओके, लेट्स जंप ऑन एडगर स्काइन. एडगर स्काइन एक बड़ा मशहूर नाम है कल्चर की दुनिया में. If not 100%, I can assure you at least 99% कि एडगर स्काइन पे सवाल आना है पेपर में आपको. If not 100%, I still can assure you 99% एडगर स्काइन is going to be tested in your attempt. क्योंकि owing to one more most important reason कि अभी तक एडगर स्काइन पे क्वेश्चन नहीं आया पेपर में. एंड सेकेंडली, एडगर स्काइन का मॉडल काफी इंपॉर्टेंट मॉडल है कल्चर की अंडरस्टैंडिंग के अंदर. So when we make people understand the culture, Edgar Skye's model is quite important. ठीक है? और इसीलिए इसका जो मॉडल है वो पेपर के अंदर काफी इंपॉर्टेंस रखता है. एंड फॉर दैट पर्पस यू हैव टू मेक श्योर कि आपने कैसे अंडरस्टैंड करना है इस मॉडल को. अच्छा, एडगर्स कल्चर के अंदर ना बेसिकली दो चीजें होती हैं. लाइक वी हैव टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कल्चर. इफ आई शो यू
कल्चर में हमारा जो कंसर्न होता है वो टू फोल्ड होता है. व्हेन यू टॉक अबाउट कल्चर, तो कल्चर में हमारा कंसर्न जो है दैट इज टू फोल्ड. एक हमारा कंसर्न होता है वन कंसर्न इज हाउ टू डिफाइन कल्चर और हाउ द कल्चर इज डिफाइंड, और दूसरा कल्चर जो दूसरा कंसर्न होता है हाउ टू अंडरस्टैंड कल्चर. इफ यू आर अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन तो आपका कंसर्न होगा हाउ टू डिफाइन कल्चर और हाउ द कल्चर इज डिफाइंड, एंड इफ यू आर सम आउटसाइडर सो योर कंसर्न इज हाउ टू अंडरस्टैंड कल्चर. एडगर स्काइन का मॉडल इन दोनों सवालों के जवाब देता है. एडगर स्काइन का जो मॉडल है इट आंसर्स बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस. एडगर स्काइन कहते हैं कि कल्चर के तीन लेवल्स होते हैं. देयर आर थ्री लेयर्स ऑफ कल्चर. पहली लेयर को हम कहते हैं आउटर स्किन. आउटर स्किन का मतलब यह होता है समथिंग दैट इज विजिबल, समथिंग दैट इज आर्टिफैक्ट. सिंबल और आर्टिफैक्ट एक ही चीज है. हम वर्ड सिंबल भी यूज करते हैं, हम वर्ड आर्टिफैक्ट भी यूज करते हैं. तो सिंबल एंड आर्टिफैक्ट आर द सेम थिंग. तो आउटर स्किन से मुराद ये है वो फैक्टर्स जो कि विजिबल होते हैं, वो फैक्टर्स जो कि नजर आते हैं, वो फैक्टर्स जो कि विजिबल हैं और नजर आते हैं, इन्हें हम आर्टिफैक्ट्स कहते हैं. फिर जब आप जिस तरह ये लाइक अनियन जो घर में कुकिंग शुकिंग करते हैं लोग, उन्हें पता है कि प्याज जो है उसकी लेयर्स होती है ना, यू पील ईच लेयर. अब हर लेयर को पील करते हैं तो एक नई लेयर निकल आती है नीचे से. सेम इज द कॉन्सेप्ट कि ये तीन लेवल हैं, ये तीन लेयर्स हैं. आप आउटर स्किन को पील करेंगे तो इनर लेयर निकल आएगी. इनर लेयर को हम एस्पाउज्ड वैल्यूज कहते हैं. एस्पाउज्ड वैल्यूज आपके गोल्स, आपकी स्ट्रेटजीज, आपके मिशन, आपके आपके कोड ऑफ कंडक्ट, ये वो चीजें हैं जो लिखी जाती हैं. मतलब बीइंग एन आउटसाइडर, आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले जो चीज आप एनकाउंटर करते हैं वो उसकी आउटर स्किन है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू एनकाउंटर व्हेन यू एंटर इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज द आउटर स्किन ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, आउटर स्किन के बाद जो दूसरी चीज आप एनकाउंटर करते हैं जब आप थोड़ा सा वहां पे टाइम स्पेंड करते हैं, फर्दर डिग करते हैं, फर्दर चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, तो आप उसकी इनर लेयर पे जाते हैं. फॉर एग्जांपल यू विल विजिट द कंपनी वेबसाइट, तो वहां से उसकी आपको मिशन स्टेटमेंट मिलेगी. आप कंपनी के किसी एम्प्लॉई से गपशप लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इनके गोल्स क्या हैं, इनकी स्ट्रेटेजीज क्या हैं. ये एस्पाउज्ड वैल्यूज हैं, फिलोसफीज, मिशन, गोल्स, एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, स्टेटेड वैल्यूज, ये सब कुछ लिखा जाता है. Espoused values लिखी जाती हैं, कहीं ना कहीं लिखी होती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में होती हैं. स्ट्रेटजीज जो हैं वो आपके प्लान में होंगी, मिशन आपकी वेबसाइट पे होगा, कहीं ना कहीं लिखी जाती हैं चीजें. कोड ऑफ कंडक्ट आपके एथिक्स के अंदर होंगी. एंड देन वी हैव बेसिक अंडरलाइंग assumptions, ये beliefs होते हैं, समथिंग दैट इज टेकन फॉर ग्रांटेड, जिसको आप सही मान के चलते हैं. Assumption का मतलब ये होता है समथिंग विच यू टेक फॉर ग्रांटेड. टेकन फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है जिस चीज को आप सही समझते हैं. मतलब बीइंग मुस्लिम्स, हम सारे यहाँ पे अगर मुसलमान मौजूद हैं तो हमारे जो रिलीजियस बिलीव्स हैं दे आर टेकन फॉर ग्रांटेड. हमारे जो रिलीजियस बिलीव्स हैं दे आर टेकन, मतलब हम इनको चैलेंज नहीं करते, हम इनको सही मान के चलते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे वननेस ऑफ अल्लाह का कॉन्सेप्ट है. आई डोंट थिंक सो दैट पीपल वेरी ऑफनली डिबेट ऑन वननेस ऑफ अल्लाह जो मुसलमान है, बिकॉज दे हैव अज्यूम्ड कि ये सही है एंड दैट इज द करेक्ट थिंग टू फॉलो. And that is their unconscious belief. ये उनका unconscious या conscious belief भी होता है बाज़ दफ़ा. ये उनकी perceptions है जिनको वो taken for granted लेते हैं. And that is something which you cannot question. Assumptions जो होती हैं, for example जैसे Walmart वाली मिसाल ले लें, चलें religious की अपना religion की बात अगर नहीं करें, Walmart की अंदर जो हाँ exactly embedded belief जो हमने कल बात की थी, embedded beliefs होते हैं बिल्कुल. Walmart की underlying assumption है employee सबसे important entity, employee is the most important part. अब नो बडी इज चैलेंजिंग दिस assumption. जो लोग आ रहे हैं उस इदारे में वो इसी assumption को सही मान के चल रहे हैं, इस पे बिलीव कर रहे हैं, इसको वो सही समझ रहे हैं. एंड नो बडी इज चैलेंजिंग के जी हम ये क्यों ऐसा कहते हैं कि एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट है, हमें नहीं कहना चाहिए. नो बडी इज आस्किंग अबाउट दैट. एवरीबडी बिलीव कि नहीं एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉय की वर्थ होनी चाहिए, एम्प्लॉय को सही मतलब. तो ये assumptions होती हैं. आप ये एरोस पे गौर फरमाएं तो एक एरो ऊपर से नीचे आ रहे हैं और एक एरो नीचे ऊपर जा रहे हैं. एक तो ये एरो शो कर रहे हैं कि दीज फैक्टर्स आर इंटरैक्टिंग. ये एरो जो है ये शो कर रहे हैं दीज जो ये जो फैक्टर्स हैं ये इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है. और इसके अंदर ये जो एरो नीचे से ऊपर आ रहे हैं ये शो कर रहे हैं
दैट हाउ द कल्चर इज डिफाइंड. कल्चर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? किसी कल्चरल डेफिनेशन में सबसे पहले एजम्पशन होती हैं. उस एजम्पशन की बेस पे आप एस्पाउज्ड वैल्यूज को ले डाउन करते हैं और फिर आप उन वैल्यूज की बेस पे फिर आप क्या करते हैं, फिर आप अपनी आर्टिफैक्ट्स को एस्टैब्लिश करते हैं, आप अपने सिंबल्स को एस्टैब्लिश करते हैं. तो यू मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप. अगर आपने किसी जगह के कल्चर को समझना है, इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो यू विल मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम. यहाँ से नीचे सबसे पहले आप आर्टिफैक्ट्स को एनकाउंटर करेंगे, मजीद एक लेयर छीलेंगे, एक पील ऑफ करेंगे एक लेयर को, तो एस्पाउज वैल्यूज वाजे हो जाएंगी. एस्पाउज वैल्यूज को पील ऑफ करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं एजम्पशंस की झलक नजर आएगी. एजम्पशंस को हम देख तो नहीं सकते ऑब्वियसली, बट वी कैन सेंस इट. एजम्पशन को हम समझ तो नहीं सकते बट वी कैन सेंस इट. फॉर एग्जाम्पल, आप वॉलमार्ट में दाखिल हुए तो आपने सिम्बल्स देखे, वहां पे एम्प्लॉई को एसोसिएट कहा जा रहा है, वहां पे एम्प्लॉईज को बड़ी रिस्पेक्ट दी जा रही है. आपने आर्टिफैक्ट से अंदाजा लगाया कि इन लोगों के लिए एम्प्लॉयज इंपॉर्टेंट है, फिर आपने डिग डाउन किया तो आपने उस कंपनी का मिशन पढ़ा, आपने वॉलमार्ट का मिशन निकाला, तो यू रियलाइज कि वॉलमार्ट अपने मिशन में भी एम्प्लॉई इंपॉर्टेंस की बात करता है. देखिए वैल्यू टू देयर एम्प्लॉयज. फिर इसकी बेस पे आपने अंदाजा लगाया कि इनकी अजम्पशंस ये होंगी कि एम्प्लॉई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटिटी. दैट इज हाउ यू हैव अंडरस्टूड द कल्चर. कल्चर को डिफाइन कैसे किया? सैम वॉल्टन ने वॉलमार्ट में एक बिलीफ सिस्टम डेवलप किया कि एम्प्लॉई सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी है. उसने जब मिशन स्टेटमेंट लिखी अपनी कंपनी की, जब गोल्स और स्ट्रेटजीज को डिफाइन किया, सो दे मेड श्योर कि हर चीज जो है वो एम्प्लॉई के गिर्द घूमे. और फिर जब उन्होंने रिवॉर्ड सिस्टम नाम दिए, तो दे मेड श्योर कि उसके अंदर आवाज आ रही है जी. अब बेहतर? इज इट बेटर? ओके गुड, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. सो बेसिक अंडरलाइंग अजम्पशंस का मतलब यह होता है कि आपके जो बिलीफ सिस्टम्स हैं वो चैलेंज कोई ना करें. लेट्स गो थ्रू दीज वन बाय वन. आउटर स्किन डिफाइन करती है आपके विजिटर्स, जो जो बाहर से जो बंदा आएगा कंपनी में वो क्या देखेगा, वॉट विल दैट पर्सन सी. फैसिलिटीज, सराउंडिंग्स, ये चीजें कल्चर को डिफाइन करती हैं. हाउ डू द पीपल ड्रेस अप. सम ऑर्गेनाइजेशंस इंसिस्ट करती हैं कि ऑफिस वर्कर फॉर्मली ड्रेस हों जैसे बैंक्स होते हैं. कुछ दारों के अंदर ड्रेस मैटर नहीं करता, जैसे गूगल की मिसाल लें, एप्पल की मिसाल लें, यहाँ पे एम्प्लॉय बड़े कैजुअली जाते हैं. इन कंपनीज के एम्प्लॉय बड़े कैजुअली ऑपरेट करते हैं. कल्चर इज ऑल्सो सीन इन द वे एम्प्लॉयज टॉक टू ईच अदर. लैंग्वेज के अंदर आप कल्चर को ढूंढते हैं, जैसे जार्गन्स की अभी हमने मिसाल ली. इनर लेयर आपकी स्पाउस्ड वैल्यूज होती हैं, आपके कोड ऑफ एथिकल बिहेवियर, जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट होता है, दैट डिटरमिन के एम्प्लॉयज के एटीट्यूड्स क्या होंगे. इसी तरह स्टेटेड वैल्यूज हैं, आपका मिशन स्टेटमेंट है, जिन्हें हम एक्सप्रेस करते हैं जनरल टर्म्स के अंदर. फॉर एग्जांपल, एक कंपनी का मिशन है प्रोवाइडिंग सर्विस टू द सोसाइटी, टू द कम्युनिटी, या किसी और कंपनी का मिशन है प्रोवाइडिंग द बेस्ट क्वालिटी सर्विस टू कस्टमर. तो मिशन को या स्ट्रेटजीज को या गोल्स को भी हम कल्चर का हिस्सा समझते हैं बिकॉज दे आर एक्सप्रेस डाउन. दिस लेवल ऑफ कल्चर कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द लीडर्स, बाय द मैनेजमेंट, क्योंकि गोल्स चेंज होते हैं, स्ट्रेटजीज चेंज होती हैं, तो लीडर्स मैनेजर्स जो हैं, लेकिन स्टिल यू हैव टू मेक श्योर कि वट एवर स्ट्रेटजीज यू आर फॉर्मिंग, वट एवर गोल्स यू आर डिफाइनिंग, दे शुड बी रिवॉल्विंग अराउंड योर पैराडाइम. पैराडाइम का लफ्जी मतलब होता है नजरिया. पैराडाइम इज अ टर्म फॉर द शेयर्ड अजम्पशंस एंड एटीट्यूड अबाउट वट रियली मैटर्स. इंपॉर्टेंट क्या है इदारे के लिए, वट डज रियली मैटर. मेरे लिए कस्टमर इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए एम्प्लॉयज इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए स्टेक होल्डर इंपॉर्टेंट है. ये आपकी assumptions हैं. They are taken for granted. Taken for granted से क्या मुराद है? Believe to be true. इनको हम सही मान के चलते हैं. They are rarely discussed. इन्हें हम discuss नहीं करते. They affect the way organization sees itself and the way in which it operates. This is the real core culture of the organization.
ये एक इदारे का रियल कोर कल्चर होता है. अनलाइक मिशन स्टेटमेंट, कोड ऑफ एथिक्स और पैराडाइम, दे आर नॉट रिटन डाउन, इन्हें कहीं लिखते नहीं है आप, यू नेवर राइट देम डाउन. दे आर रेयरली डिस्कस्ड, इनको हम डिस्कस भी नहीं करते, इनको हम डिस्कस भी नहीं करते, इनको हम कहीं लिखते भी नहीं. ठीक है, पैराडाइम जो है दैट टॉक्स अबाउट द रीजन ऑफ अ फर्म्स एग्जिस्टेंस. पैराडाइम एक इदारे के एग्जिस्टेंस के रीजन को बयान करता है कि एक इदारा एग्जिस्ट क्यों करता है, एक इदारा दुनिया में है ही क्यों. ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल पुलिस की एग्जिस्टेंस होती है टू कैच क्रिमिनल्स. कहीं आप नहीं देखेंगे कि पुलिस वर्बली बयान करेगी कि हम मुजरिमों को पकड़ते हैं. अंडरस्टूड है, पुलिस का मतलब है क्राइम को रोकना. या स्कूल्स कभी भी ये कहीं चीज लिखते नहीं है कि जी हम फॉर एग्जाम्पल लर्निंग प्लेसेस हैं, वी आर लर्निंग प्लेसेस. ठीक है, वी आर लर्निंग प्लेसेस. कैपरा डिफाइन करते हैं पैराडाइम को, अगर पेपर में डिफाइन करने को कहा जाए. हाँ लेकिन एग्जैक्ट बेटा यही तो बात हो रही है ना, ये जो एरोज हमने भी शो किए हैं, assumptions will be reflected in your processes which are your espoused values which will be reflected in your artifacts. ye reflection nazar aati hai aapko, yes they are reflected but they are never discussed. theek hai na, ye cheez, ye teeno layers interact kar rahi hai na aapas mein, all of these three layers are actually interacting with each other, so you are never discussing them but yes they are prevalent. kahin na kahin ye cheez nazar aa rahi hoti. paradigm ki formal definition hai. Exactly, truly underlying assumption, something which you believe to be true, something which you believe to hold truth. Being a Muslim, hamari truly underlying assumption hai oneness of Allah. Hamara jo pehla kalma hai, that is our truly underlying assumption. That is our belief system. Islam pura nahi hota na jab aap oneness of Allah aur last messenger pe gawahi nahi dete. Aisa hi na, hum sab yahan Musliman hai, I believe. But if we have anyone from some other religion, तो आपके जो भी religious beliefs होते हैं, आपके जो भी religious beliefs होते हैं, उसकी एक बुनियादी underlying assumption होती है. उस assumption को आप सही मान के चलते हैं, पूरा आपका belief system फिर उसे एक assumption पे खड़ा होता है. जैसे मुसलमानों का belief assumption क्या है, मुसलमानों की अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह के आखिरी रसूल हैं. ठीक है, दैट इज वॉट वी बिलीव टू बी ट्रू एंड वी विल नेवर क्वेश्चन दैट. हम कभी से क्वेश्चन नहीं करेंगे. आपने कभी अपने किसी मुसलमान दोस्त से या कॉलीग से या बहन भाई से ये क्वेश्चन किया है कभी अल्लाह ये क्यों है? गॉड फॉरबिड, नहीं करते ना हम ये क्वेश्चन, क्योंकि हम इस अजम्पशन को सही मान के चल रहे हैं. एंड वी कैन नेवर क्वेश्चन दैट. जिस दिन आपने अजम्पशन को क्वेश्चन कर लिया, आपकी समझ लें वो फाउंडेशन ही हिल के रह जाएगी. यू शुड नेवर क्वेश्चन, यू शुड नेवर क्वेश्चन योर बिलीफ. कैपरा डिफाइन करते हैं पैराडाइम को, कि पैराडाइम जो है ये कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं अमलगमेट को, मिक्सचर को. कॉन्स्टेलेशन है कुछ कॉन्सेप्ट्स का, वैल्यूज का, परसेप्शंस का, बिलीव्स का, जो कि शेयर करती है कम्युनिटी, जो कि उनका एक वीएन ऑफ रियलिटी क्रिएट कर देते हैं, दैट क्रिएट्स अ वीएन ऑफ रियलिटी फॉर देम. एंड दैट वीएन ऑफ रियलिटी जो है वो भी डिटर्मिन करता है कि कम्युनिटी अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज करती है, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, वो कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर कस्टमर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरी कम्युनिटी, पूरा इदारा अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेगा कस्टमर के गिर्द. कस्टमर पॉलिसीज, कस्टमर क्वेरीज, कस्टमर फीडबैक, सारी की सारी चीजें जो है वो कस्टमर के लेवल पे आ जाएंगी. ठीक है, अगर एक कम्युनिटी अपने आप को ऑर्गेनाइज करती है एम्प्लॉयज के गिर्द, तो फिर सब कुछ आपका एम्प्लॉयज के गिर्द घूमने लग जाएगा. Every single thing will be revolving around the employees. So Edgar Skine argue करता है कि changing corporate culture is very difficult. Corporate culture को change करना बहुत मुश्किल है. Outer skin को फिर भी आप change कर सकते हैं. Outer skin को change करना fairly easy है. But it is very difficult to change the paradigm. It is very difficult to change the overall paradigm. Got it? तो ये है एडगर स्काइन का मॉडल. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन भी आ सकती है, कहा जा सकता है बताएं किस सिचुएशन में कौन सी लेयर डिस्कस हो रही है, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है. दोनों किस्म का सवाल एडगर स्काइन पे आप पेपर में देख सकते हैं. हिम्मत है अगले मॉडल की, चार्ल्स हैंडी.
गुड, वेरी गुड। चलें, लेट्स टॉक अबाउट चार्ल्स हैंडी। चार्ल्स हैंडी को भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, फिर कल टाइम बच जाएगा पास्ट पेपर के रिव्यू का। चार्ल्स हैंडी एक बड़ा मशहूर नाम है मैनेजमेंट की दुनिया में। चार्ल्स हैंडी का नाम दो जगह आएगा, एक दफा कल्चर में आएगा और एक दफा इसका नाम आएगा लीडरशिप के अंदर, नाइन चैप्टर। चार्ल्स हैंडी ने एक किताब लिखी, गॉड्स ऑफ मैनेजमेंट। चार्ल्स हैंडी ने कहा कि जो मैनेजमेंट होती है ना इदारों की, वो डिफरेंट गॉड्स को फॉलो करती है। मतलब ग्रीक यूनानी मिथोलॉजी है, ग्रीक मिथोलॉजी है कि दुनिया जो है इट इज कंट्रोल्ड बाय फोर गॉड्स, गॉड फॉरबिड, नाउज बिल्ला। दुनिया के चार खुदा हैं, एक है गॉड ऑफ सन जिसे अपोलो कहते हैं, अपोलो कहते हैं उसको। इसी तरह एक है गॉडेस ऑफ मून, एक है गॉड ऑफ अर्थ, एक है गॉड ऑफ चौथा गॉड कौन था, एनीवे चार गॉड्स हैं, ठीक है। गॉड ऑफ सन है, गॉड ऑफ अर्थ है, गॉडेस ऑफ मून है, और एक चौथा गॉड भी है वो नेट पे देखा, हाँ, गॉड ऑफ वाटर माइट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली गॉड ऑफ वाटर, बिल्कुल। चार गॉड्स हैं, ठीक है। ये ग्रीक मिथोलॉजी है। तो चार्ल्स हैंडी ने ग्रीक मिथोलॉजी को स्टडी किया और इसने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कल्चरल स्टीरियोटाइप्स होती हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी जो कल्चर्स होते हैं वो इन्हीं चार गॉड्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। लाइक किसी इदारे के अंदर कोई ये कॉम्पोनेंट इंपॉर्टेंट है, किसी इदारे के अंदर कोई दूसरा कॉम्पोनेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अभी जब आप ये चारों कल्चर्स पढ़ेंगे तो आई वुड रिकमेंड कि आप थर्ड चैप्टर के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स को जहन में रखिएगा, समझ बेहतर आएगी, अंडरस्टैंडिंग वुड बी बेटर, ठीक है। पावर कल्चर एक खास किस्म के स्ट्रक्चर में होता है, इन्हें कहते हैं कल्चरल स्टीरियोटाइप्स, दे आर नोन एज कल्चरल स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है समथिंग विच यू फॉलो कॉन्टिन्यूस, एक कॉन्टिन्यूटी में जिस चीज को आप फॉलो करें वो स्टीरियोटाइप बन जाती है। समथिंग दैट इज बीइंग फॉलोड इन अ कॉन्टिन्यूटी इज अ स्टीरियोटाइप। तो वो कहते हैं कि कल्चरल स्टीरियोटाइप्स जो है वो चार हैं। पावर कल्चर है जिसे स्पाइडर वेब कल्चर भी कहते हैं, रोल कल्चर है, टास्क कल्चर है, और पर्सन या एग्जिस्टेंशियल कल्चर है। ऑल ऑफ दीज आर नोन एज कल्चरल स्टीरियोटाइप्स। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, ये दो दफा सवाल आ चुका है पेपर में हैंडी के ऊपर, दो दफा है कि एक दफा है, मैं आपको बताता हूँ, चार्ल्स हैंडी के ऊपर 8 नंबर का एक दफा, एक क्वेश्चन तो मुझे याद है 8 मार्क्स का आया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। हाँ, दो दफा आ चुका है, स्ट्रेट फॉरवर्ड 8B एंड क्वेश्चन नंबर 10, दो दफा आ चुका है, और मल्टीपल चॉइस शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुका है इसके ऊपर। तो 3 दफा चार्ल्स हैंडी का क्वेश्चन पेपर में नजर आया है एग्जामिनेशन के हवाले से, 3 दफा, ठीक है। ये वो मैचिंग द सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे सिचुएशन मैच करनी होती है आपने, वन वर्ड, ये नोट्स आए थे दीज आर, और अभी ये रिसेंटली आया था मार्च 18 में, मार्च 18 में, तो रिसेंटली आया है चार्ल्स हैंडी का क्वेश्चन, ठीक है ना। सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच हैज इम्पॉर्टेंट, यू सी होल्डिंग इन द एग्जामिनेशन। चार्ल्स हैंडी के ऊपर एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया था। चार्ल्स हैंडी में चार किस्म के कल्चरल स्टीरियोटाइप्स हैं। पावर कल्चर है, पावर कल्चर जिसे स्पाइडर वेब कल्चर भी कहते हैं, क्लब कल्चर भी कहते हैं, ये कल्चर पाया जाता है एंटरप्रेन्योरियल। अगर मैं साथ साथ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम भी लिख दूं कि जिस किस्म के इदारे में ये कल्चर पाया जाता है, तो पावर कल्चर इज फाउंड इन एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पावर कल्चर मिलेगा एंटरप्रेन्योरियल, रोल कल्चर मिलेगा मशीन ब्यूरोक्रेसी के अंदर, रोल कल्चर इज फाउंड इन मशीन ब्यूरोक्रेसी, रोल कल्चर आपको मिलेगा मशीन ब्यूरोक्रेसी के अंदर। देन टास्क कल्चर आपको मिलेगा एडहोक्रेसी के अंदर, जहां पे टीम बेस्ड वर्किंग होती है, जहां पे लोग टीम्स में काम करते हैं, एडहोक्रेसी में आपको मिलेगा टास्क कल्चर। और पर्सन कल्चर आपको मिलेगा प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसीज के अंदर, एस हेनरी मिंट्सबर्ग टॉक्ड अबाउट। प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी में आपको मिलेगा पर्सन कल्चर, जहां पे लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां पे लोगों के ऊपर पूरा कल्चर चल रहा होता है। सो दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कल्चर बीइंग डिस्कस्ड इन फोर इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, ठीक है। सो लेट्स, अब आपने एक काम करना है कि आपने ये सारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की जो डिस्कशन है इसको जहन में रखना है कल्चर को पढ़ते हुए। पावर कल्चर में क्या होता है, वन मेजर सोर्स है पावर की, पावर सारी की सारी कहाँ से आती है, एक सोर्स से आती है, एंड दैट सोर्स इज द लीडर ऑफ द एंटिटी। पावर अथॉरिटी, वो सेंट्रल पॉइंट हमने डिस्कस किया था ना कि एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर में एक सेंटर होता है
और पूरा इदारा इस सेंटर के गिर्द घूम रहा होता है, ठीक है। सो कंट्रोल रिमेन विद द सेंट्रल पॉइंट। हैंडी ने कहा था कि पावर कल्चर जो होता है, जिसे हम स्पाइडर वेब कल्चर भी कहते हैं, इसमें स्पाइडर सेंटर में सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है, और जो इंडिविजुअल जितना सेंटर के क्लोज होता है वो उतना पावरफुल होता है। एग्जैक्टली, सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होता है। पावर कल्चर किसमें मिलेगा? स्मॉल एंटरप्रेन्योरियल फर्म में मिलेगा, एज वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। यहाँ पे बॉस यूजुअली जो फाउंडर होता है वो सारे डिसीजंस खुद ले रहा होता है। पावर कल्चर में बुनियाद आपके ट्रस्ट पे होती है। पावर कल्चर में बॉस जो है वो मैन्यूवर करता है। मैन्यूवर से क्या मुराद है? अपनी मर्जी करना। मैन्यूवरिंग कहते हैं अपनी मर्जी करना। तो बॉस हैज दिस होल पावर टू मैन्यूवर एंड डिस्कस व्हाटएवर दे वांट बाय राइटिंग वेरी लिटिल रूल्स एंड रेगुलेशंस। स्पोकन वर्ड इज मोर इंपॉर्टेंट। वर्ड ऑफ माउथ पे ज्यादा डिसीजन होते हैं। बॉस ट्राइज टू इन्फ्लुएंस द पर्सनैलिटी ऑफ द पीपल। उनके पर्सनैलिटी को खुद इन्फ्लुएंस करता है, उनके जो डिसीजन उन्हें खुद इन्फ्लुएंस करते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है पावर कल्चर में, कि ये एक बंदे पे डिपेंड कर रहा होता है, डिपेंड्स ऑन ओनली वन सिंगल पर्सन, ठीक है। अगेन, एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर का ड्रॉबैक जहन में लेके आए, एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज इन साइज इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट फॉर वन पर्सन टू कंट्रोल एवरीथिंग। तो यहाँ पे फिर ये इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना कल्चर चेंज करना पड़ेगा, मीन्स आपको अपना स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। रिमेंबर, स्ट्रक्चर चेंज होगा तो कल्चर चेंज होगा, क्योंकि अभी हमने कल्चरल वेब में पढ़ा है कि स्ट्रक्चर कल्चर का पार्ट है। तो वेन यू हैव टू चेंज द स्ट्रक्चर, यू हैव टू चेंज द कल्चर। दैट्स वेरी सिंपल थिंग। ये पॉसिबल नहीं है कि स्ट्रक्चर चेंज करें कल्चर चेंज किए बगैर, ये मुमकिन नहीं है। तो पावर कल्चर जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर छोटे दारों को सूट करता है, इस तरह पावर कल्चर भी छोटे दारों को सूट करता है, अ फर्म नॉट मोर देन 20 पीपल। रोल कल्चर जो होता है दैट इज अ ब्यूरोक्रेटिक कल्चर। ये लिखा हुआ है मोस्ट रेडिली अंडरस्टूड कल्चर। ऐसा क्यों है? व्हाई दिस कल्चर इज मोस्ट रेडिली अंडरस्टूड? क्योंकि ये कल्चर पाया जाता है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, विच इज द मोस्ट प्रिसाइजली डिफाइंड स्ट्रक्चर, हायरार्किकल स्ट्रक्चर। एग्जैक्टली, जितना स्ट्रक्चर क्लियर होगा उतना कल्चर क्लियर होगा। तो चूंकि ब्यूरोक्रेसी क्लियर होती है, रेगुलेशंस क्लियर होती हैं, हर चीज क्लियर होती है, हर बंदे की अपनी जॉब है, जॉब डेफिनेशंस क्लियर हैं, रोल्स और स्पेसिफिक फंक्शंस क्लियर हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन है रादर देन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। रोल कल्चर को वो कहते हैं कि पिरामिड ऑफ बॉक्सेस है, इट्स अ पिरामिड ऑफ बॉक्सेस, जिसमें हर बॉक्स जो है वो एक जॉब डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करता है। उस बॉक्स में कोई भी आ जाएगा वो बॉक्स चेंज नहीं होगा। जिसमें बॉक्स से मुराद यहाँ पे पोजीशन है, बॉक्स से मुराद यहाँ पे पोजीशन है, कि कोई भी आ जाए वो पोजीशन चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आज पुलिस कमिश्नर लाहौर कोई और है, कल कोई और होगा, वो पोजीशन अपनी जगह पे बरकरार है। पीपल कम एंड पीपल लीव, एंड व्हेन दे रिप्लेस द थिंग्स ऑफ द वे ऑफ डूइंग थिंग्स नेवर चेंज। जब लोग उस बॉक्स को छोड़ते हैं तो वे ऑफ डूइंग थिंग्स कभी भी चेंज नहीं होते। रोल कल्चर सूट करता है किन इदारों को? रिमेंबर, मशीन ब्यूरोक्रेसी, फेयरली स्टेबल एनवायरनमेंट, जहां पे एम्प्लॉइज आर एक्सपेक्टेड टू डू द जॉब व्हाट दे हैव बीन गिवन। और यहाँ पे इनिशिएटिव्स आर अनइम्पॉर्टेंट, लोग डिसीजन मेकिंग नहीं लेते, यहाँ पे जो डिसीजन दे दिए जाते हैं वही फॉलो करते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। पीपल इन अ रोल कल्चर आर मैनेज्ड रादर देन लेड। इनको लीड नहीं करते, इनको मैनेज करते हैं। मैनेज से मुराद क्या है? इनको रेगुलेट करते हैं, इनको रूल्स एंड रेगुलेशन से मैनेज करते हैं। दे आर नॉट लेड, दे आर मैनेज्ड। टास्क कल्चर की लास्ट लाइन पढ़ें पहले। इन अ टास्क कल्चर और अ टीम कल्चर पीपल आर लेड रादर देन मैनेज्ड। यहाँ पे हम लोगों को लीड करते हैं। एडोक्रेसी की बात आ गई, टीम बिल्डिंग की बात आ गई, टीम वर्क आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे लीडरशिप इंपॉर्टेंट होती है, मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होती। इन अ रोल कल्चर वी मैनेज पीपल रादर देन लीडिंग देम। हम लीड नहीं करते, उन्हें मैनेज कर रहे होते हैं। टास्क कल्चर में फोकस आपका किस पे है? टास्क के ऊपर है। रिमेंबर, एडोक्रेसी देन में ले आए, यू आर फोकसिंग ऑन टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम इन मोस्ट एफिशिएंट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे। टास्क कल्चर में इदारा फ्लेक्सिबल होता है, वर्क टीम्स फॉर्म करते हैं और उन्हें डिसबैंड कर देते हैं जब टास्क कंप्लीट हो जाता है। यू डिसबैंड द टीम व्हेन अ टास्क इज कंप्लीटेड एंड देन यू रीफॉर्म इट व्हेन देयर आर न्यू वर्क ग्रुप्स। इंडिविजुअल्स गेन रिस्पेक्ट एंड अथॉरिटी फ्रॉम देयर नॉलेज एंड स्किल। इसके लिए हमने एक टर्म यूज की थी, कौन बताएगा वो टर्म जल्दी से? हमने फ्लैट स्ट्रक्चर थर्ड चैप्टर में एक टर्म यूज की थी इसके लिए, जिसमें लोगों की रिस्पेक्ट उनके नॉलेज और उनके स्किल पे होती है रादर देन देयर अथॉरिटी, रादर देन देयर पोजीशन। व्हाट इज द टर्म व्हिच वी यूज्ड? इजलिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन। इजलिटेर, शाबाश, इजलिटेरियनिज्म, वेरी गुड, इजलिटेरियनिज्म, एग्जैक्टली, ठीक। सो दिस इज इजलिटेरियनिज्म, जहां पे फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। सो टास्क स्ट्रक्चर इज वेल सूटेड अगेन एडोक्रेसी। देखें कैसी एनवायरमेंट में काम करती है, डायनामिक एनवायरमेंट में, रैपिडली चेंजिंग एनवायरमेंट के अंदर। आईटी कंपनीज फॉर एग्जांपल एडहॉक होती हैं,
फाउंड इन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज भी एडहॉक होती, रिमेंबर? ये सब कुछ हम पहले पढ़ के आ चुके हैं थर्ड चैप्टर में. सो व्हाट यू आर नाउ मेनली कंसर्न्ड अबाउट इज दैट एडहॉक्रेसी इज मेनली फोकस्ड ऑन दैट हाउ ऑर्गेनाइजेशंस आर प्राइमरली कंसर्न्ड विद योर डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स. यू सी डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स. ठीक है, ऑल राइट. देन वी हैव पर्सन कल्चर. पर्सन कल्चर जो है दैट इज नोन एज एग्जिस्टेंशियल कल्चर. ये लोगों के गिर्द घूमते हैं, ये घूमते हैं लोगों के गिर्द. ठीक है, पर्सन कल्चर रिवॉल्व अराउंड पीपल. इंडिविजुअल कल्चर जहां पे पूरा इदारा इंडिविजुअल की नीड्स को सर्व कर रहा होता है और इंडिविजुअल्स के गिर्द घूम रहा होता है. पर्सन कल्चर के अंदर मतलब ये इम्पॉसिबल है कि पूरा इदारा पर्सन कल्चर के गिर्द घूमेगा. हाँ, ये पॉसिबल है, जैसे हमने पढ़ा था हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात की थी ना हमने, वी टॉक्ड अबाउट हाइब्रिड स्ट्रक्चर, कि एक ही वक्त में एक इदारे के पास मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं. इसी तरह एक ही वक्त में एक इदारे के पास मल्टीपल कल्चर्स भी हो सकते हैं. अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव मल्टीपल कल्चर्स एट द सेम टाइम. फॉर एग्जाम्पल, अकाउंट्स डिपार्टमेंट आपका पर्सन कल्चर पे है, और आपका एचआर डिपार्टमेंट जो है वो आपका रोल कल्चर पे है, और आपका सेल्स एंड सेल्स डिपार्टमेंट या जो आपका डिपार्टमेंट है मार्केटिंग का, वो आपका डिपार्टमेंट टास्क कल्चर पे है. दैट्स वेरी कॉमन. नॉर्मली पर्सन कल्चर की एग्जांपल कौन सी होती है? स्पोर्ट्स, जहाँ पे पूरी टीम जो है वो प्लेयर्स के गिर्द घूम रही होती है. ये आप गौर फरमाएं तो ये सारी एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगी प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी वाली. देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फर्म्स ऑफ लॉयर्स, स्मॉल हॉस्पिटल्स, ऑल दीज एग्जाम्पल्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट देम इन प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी. तो सर्विस सेक्टर में पर्सन कल्चर ज्यादा कॉमन होता है. पर्सन कल्चर के अंदर इंडिविजुअल रिसोर्स शेयरिंग करते हैं, सपोर्ट फंक्शंस शेयरिंग करते हैं, सपोर्ट फंक्शंस के ऊपर ऑपरेट करते हैं. यू सी, हाउएवर इंडिविजुअल्स इंडिपेंडेंटली भी ऑपरेट करते हैं, उनका अपना अपना स्टाफ भी होते हैं. हॉस्पिटल में हर डॉक्टर का अपना पीए होता है. इन अ हॉस्पिटल एवरी डॉक्टर हैज देयर ओन पीए. ठीक है, सो पर्सन कल्चर के अंदर आपका जो इदारे का पूरा प्रोसेस है वो लोगों के गिर्द घूम रहा होता है. ओके, ये एग्जांपल्स पढ़ें, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स. चार्ल्स हैंडी के मुताबिक, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कलेक्टिंग एंड पब्लिशिंग ऑफिशियल गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स. कौन सा कल्चर होगा? इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, अ क्वेश्चन माइट अपेयर. ये कौन सा कल्चर है? देखें, वर्ड आ गया गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट में हमेशा रोल कल्चर ही होगा. रिमेंबर दैट वर्ड आ गया गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट में जब भी होगा रोल कल्चर होगा. ठीक है, गवर्नमेंट में जब भी होगा रोल कल्चर होगा. अगली एग्जांपल देखें, ह्यूमन रिलेशंस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इन अ लार्ज कमर्शियल बैंक. अब इसमें कीवर्ड क्या है? लार्ज कमर्शियल बैंक. तो लार्ज कमर्शियल बैंक का भी जो स्ट्रक्चर है वो टॉल होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे भी रोल कल्चर पाया जाएगा. एग्जैक्टली, तो 1 and 4 बोथ हैव रोल कल्चर. डिपार्टमेंट ऑफ कंसल्टेंसी फर्म दैट स्पेशलाइजेज इन आईटी कंसल्टेंसी. अब देखें, यहाँ पे कीवर्ड है आईटी, टास्क कल्चर. शाबाश, आईटी में होगा टास्क कल्चर. अ स्मॉल फैशन बिजनेस दैट डिजाइन हाई फैशन क्लोथ्स. That's a very tricky statement. इस statement में information incomplete है. Small fashion business, ये word आपको बता रहा है कि यहाँ पे there might be entrepreneurial structure, there might be जो हमारा पहला culture था, that was क्या नाम था उसका, power culture. exactly, power culture. there might be power culture. ठीक, small, लेकिन high fashion cloth. हाई फैशन क्लॉथ डिजाइन करते हैं, मीन्स सर्विसेज हैं, तो सर्विसेज में डिजाइनर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. तो दैट कैन ऑल्सो बी पर्सन कल्चर, दैट कैन इवन बी अ टास्क कल्चर. एग्जैक्टली, तीनों किस्म के. हाँ, रोल कल्चर नहीं हो सकता, रोल कल्चर कभी नहीं होगा. ये पर्सन कल्चर भी हो सकता है, ये टास्क कल्चर भी हो सकता है, क्योंकि आपने हर कस्टमर की नीड के मुताबिक, और ये पर्सन कल्चर भी हो सकता है कि वहाँ पे फैशन डिजाइनर्स बड़े इंपॉर्टेंट है. तो ये बड़ी ट्रिकी स्टेटमेंट है. ये देखें, फैशन बिजनेस के अंदर टास्क कल्चर भी हो सकता है, वेयर डिजाइनर वर्क इन टीम्स. It can easily be a power culture, there where the power is resided in the owner of the entity. It can be a person culture.
सो इस तरह के क्वेश्चन में आप तीनों किस्म के कल्चर को लिख के आएंगे. अगर आपने मजीद इंफॉर्मेशन होगी तो आप कॉन्क्रीटली कह सकते हैं कि कौन सा एक्चुअली कौन सा कल्चर है. इफ देयर वुड बी सम मोर इंफॉर्मेशन देन यू कैन कॉन्क्रीटली से कि ये असल में कल्चर कौन सा है. अदरवाइज आप तीनों लिखेंगे, रोल अपना, पावर भी, पर्सन भी और टास्क भी. गॉट इट? चलें, कल इंशाल्लाह हम हॉफस्टीड का मॉडल पढ़ेंगे, हॉफस्टीड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर, और कल हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे विद पास्ट पेपर डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर. इन द मीन टाइम कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम ऑन व्हाट्सएप. ओके, चलें, ग्रेट, सी यू देन. थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़.